वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, वो भी बिना मिस्टेक के, तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में एंड तक। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, indiancoastguard.gov.in। इसकी डायरेक्ट लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, वहां से क्लिक करके आप इजीली इस साइट पर आ सकते हैं। अगर दोस्तों आपने पहले से इसमें रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा। अगर आपने पहले से इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको यहाँ से देखिए दिख रहा होगा क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन, आपको इसी पर एक बार क्लिक कर देना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर अपना पूरा नाम टाइप करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको अपना नाम डाल देना है। नाम डाल देने के बाद नीचे की साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ से देखिए दोस्तों आपको अपने पिता का नाम डालना है और यहाँ पर आपको अपने माता का नाम डाल देना है। जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको यहाँ से देखिए आपके ईमेल आईडी पर एक पासवर्ड सेंड कर दिया गया है, वो पासवर्ड इसमें डालकर आपको लॉगिन करना होगा। तो चलिए हम इस पर ओके कर देते हैं। इस पर जैसे आप ओके करोगे, आपको यहाँ पर जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय ईमेल आईडी दी है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालनी है। आपके ईमेल पर जो पासवर्ड गया है वो पासवर्ड आपको इस बॉक्स में डालकर आपको लॉगिन करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल के इसमें लॉगिन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे आप इसमें ईमेल आईडी और पासवर्ड आपकी ईमेल पर गया वो पासवर्ड डालकर इस बॉक्स में इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में डाल देना है। इस बॉक्स में कैप्चा कोड डाल देने के बाद आपको यहाँ पर देखिए सबमिट की लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको लॉगिन के ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे आप लॉगिन करोगे यहाँ पर देखिए आपको एक नया पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों, अगर आपका नाम जैसे अमित है तो दोस्तों पहला लेटर कैपिटल और बाकी सारे लेटर स्मॉल, और आपको एक नंबर यूज करना है जैसे 1 2 3 4 ऐसे यूज कर सकते हैं, और आपको एक स्पेशल करेक्टर जैसे @ ऐसा यूज करके आपको वही सेम पासवर्ड इस बॉक्स में डाल देना है और ये कैप्चा कोड दिख रहा होगा इस बॉक्स में डालकर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसा कि सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, इस तरीके का आपको पासवर्ड एक बना लेना है। दोस्तों, जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे, देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं आपका पासवर्ड सफलतापूर्वक रीसेट हो चुका है। अब आपको इसी पासवर्ड के साथ दोस्तों वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि यहीं से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होता है। दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने जब आप लॉगिन कर लेंगे तो दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा। अब आपको नीचे की साइड स्क्रॉल करते जाना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से अगर आप इसमें कुछ पढ़ना चाहें पढ़ भी सकते हैं, वरना आप नीचे की साइड स्क्रॉल करते जाएंगे। और आपको यहाँ से देखिए इस डिक्लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ से देखिए सबमिट के बटन पर एक बार क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस शो होगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए 1-2 सेकंड तक वेट करना है, क्योंकि दोस्तों ये साइड अभी थोड़ी स्लो चल रही है। अब देखिए दोस्तों, जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन रिलेटेड पहले ही जानकारी ले ली है। अब आपको यहाँ से देखिए मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है, आप मैरिड हैं या अनमैरिड, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से अनमैरिड सिलेक्ट कर देते हैं। अब आपको नीचे की साइड स्क्रॉल करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है। आपका जो भी आधार नंबर है वो आधार नंबर आपको इस बॉक्स में डाल देना है। यहाँ से दोस्तों आपको आईडी कार्ड में आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, जैसे दोस्तों हम यहाँ से आधार कार्ड ही चूज कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है और यहाँ से आधार कार्ड का नंबर फिर से डाल देना है। अब आपको नीचे की साइड स्क्रॉल करना है। अगर आपके कोई शरीर पर मार्क है, कट मार्क, वो आप यहाँ से दे सकते हैं। अगर आपके शरीर पर कोई मार्क नहीं है तो आप नो मार्क की भी एंट्री कर सकते हैं। अब आपको यहाँ से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप एससी कैटेगरी से आते हैं तो आपको कोई भी फीस नहीं पेमेंट करनी पड़ेगी। अब यहाँ से दोस्तों आपको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट की इशू डेट डालनी है और यहाँ से दोस्तों आपकी कब तक वैलिड है वो वैलिडिटी आपको यहाँ पर डालनी है। यहाँ पर डाल देने के बाद आपको नीचे की साइड स्क्रॉल करना है। यहाँ से दोस्तों आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। आप यहाँ से देखिए 10th की मार्कशीट को चूज कर लीजिए। अब आपको यहाँ से अगर आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आपको यस कर देना है, वरना आप ऐसे ही इसे नो रहने देना है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों आपको सिलेक्ट एम्प्लॉयड, अगर आप कोई एम्प्लॉयड हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप अनएम्प्लॉयड सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अब आपको नीचे की साइड स्क्रॉल करना है। ई प्रूफ और अपलोड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपको यहाँ पर देना है। दोस्तों, आप यहाँ से 10th की मार्कशीट को अपलोड कर सकते और यहाँ से दोस्तों आपको अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, वो भी ओरिजिनल होने चाहिए। दोस्तों, आप डाउनलोड करेंगे ओरिजिनल ही इसमें अपलोड करेंगे।
और ये सारी जानकारी इसमें फिल कर देने के बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। तो चलिए ये सारी डिटेल हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। अब दोस्तों आपको इसमें सिलेक्ट करना है आप किस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, नाबिक डीबी में अप्लाई करना चाहते हैं, नाबिक जीडी में अप्लाई करना चाहते हैं और या यांत्रिक मेड अप्लाई करना चाहते हैं। दोस्तों अगर आप नाबिक डीबी में अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों आपके पास सिंपल 10th पास होना चाहिए, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डीबी में अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है और आपको आगे बढ़ना है। अगर आप डीबी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 10th पास होना चाहिए, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ। अब आपको नीचे की साइड अगर आप यांत्रिक में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कोई एक डिप्लोमा होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ से एक डीबी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डीबी पर क्लिक कर देते हैं और आपको नीचे की साइड इस तरह स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ से देखिए इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे आप आगे वाले स्टेप पर पहुँच जाओगे। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर डीबी सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों आपको यहाँ से अगर आपने देखिए दोस्तों अगर आपने 10th पास कर रखी है तो आपको यहाँ पर यस करना हाँ कर देना है और आपने किस बोर्ड से की है वो आपको यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम डालना है। तो चलिए हम यहाँ से अपने एक बोर्ड का नाम डाल देते हैं। आपने जिस भी बोर्ड से की है वो आप बोर्ड यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और आपको यहाँ पर देखिए आपको अपने हाई स्कूल का सर्टिफिकेट नंबर इस बॉक्स में डाल देना है। सर्टिफिकेट नंबर इस बॉक्स में डाल देने के बाद दोस्तों अगर आप आपकी जैसे प्रतिशत में है CGPA में है या श्रेणी में है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपने हाई स्कूल कब पास की है वो आपको यहाँ से पासिंग एरर डालनी है। अगर आपके पास कोई अतिरिक्त मार्कशीट है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। अब आपको नीचे की साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ से दोस्तों आपको अपने सब्जेक्ट के नाम डालने हैं। आपके पास जो जो 10th में सब्जेक्ट हैं वो सारे 10th में सब्जेक्ट के नाम डालने हैं, यहाँ पर किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं और कितने का पूर्णांक था वो आपको यहाँ पर देना है। यहाँ पर दोस्तों अगर आपके 100 में से 70 आए हैं तो 70 इसमें डालना है और 100 इसमें डालना है और आपको यहाँ पर अपने सब्जेक्ट का नाम डालना है। तो चलिए ये सारी डिटेल हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। देखिए दोस्तों मैंने इस तरीके से यहाँ पर नंबर फिल किए हैं। इसी तरीके से आपको फिल कर देने के बाद आपको यहाँ से देखिए सेव के बटन पर एक बार क्लिक कर देना है। आपको प्लस एड सब्जेक्ट पर क्लिक करके सब्जेक्ट का नाम और कितने नंबर्स कितने में से वो सारे इस तरीके से डालने के बाद आपको सेव के बटन पर क्लिक करना है। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ से ये सब्जेक्ट फालतू में ऐड कर दिया था। अब आपको यहाँ पर देखिए सेव पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करोगे देखिए दोस्तों आपका 10th का यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ से देखिए ओके कर देना है। अब आपको यहाँ से देखिए आपको 12th की जानकारी देनी है। अगर आपने डीबी में किया है तो आप इसमें ऐसा ही छोड़ देना है। अगर आपने जीडी में किया है तो आपको 12th की भी जानकारी यहाँ पर फिल करनी होगी। अब आपको यहाँ से देखिए जैसे ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको सबमिट के व्हाट्सएप पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सेव पर क्लिक करोगे यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका सारा डाटा सेव हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आप 12th की जानकारी देना चाहते हैं तो आप 12th की भी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। आपने 12th पास किया है तो एस करेंगे और आपने किस बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर डालना है। जिस तरीके से आप डालना चाहें यहाँ पर देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं। इस तरीके से डाल देने के बाद आपको यहाँ से अपने 12th का सर्टिफिकेट नंबर डालना है और इसी तरीके से आपके अगर परसेंटेज सिस्टम है तो परसेंटेज और आपने किस साल 12th पास किया है वो 12th पासिंग ईयर डालनी है। अगर आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट है तो आप यस नो कर सकते हैं और आपको यहाँ से देखिए आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स में जितने भी नंबर हैं वो सारे नंबर्स आपको इसमें डालने हैं। और आप और सब्जेक्ट इसमें ऐड करना चाहते हैं तो प्लस सब्जेक्ट पर क्लिक करके आप और सब्जेक्ट इसमें ऐड करेंगे और यहाँ से दोस्तों आपको अपने सब्जेक्ट में कितने फिजिक्स में कितने नंबर आए थे वो इस तरीके से नंबर डालना है आप डाल सकते हैं। तो चलिए ये सारी डिटेल हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। अब दोस्तों जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे अब आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपना पूरा एड्रेस टाइप करना है। आप इसमें देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं थोड़ा देखिए दोस्तों सर्वर की वजह से ये आ नहीं रहा है। देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे की साइड आपको स्क्रॉल करना है। अब यहाँ से दोस्तों आपको अपना पूरा एड्रेस टाइप करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस टाइप करना है। जैसे दोस्तों आपका मकान नंबर जो भी है वो आप डाल सकते हैं, लैंडमार्क में आप जो डालना चाहें वो डाल सकते हैं और यहाँ से दोस्तों आप अपना फ़ोन नंबर और एरिया कोड वो डालना चाहें डाल सकते हैं। और आपको यहाँ से अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है और यहाँ से आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट और यहाँ से आपको सब डिस्ट्रिक्ट तहसील और आपको यहाँ से अपना पिन कोड डालना है और आपको यहाँ से पोस्ट ऑफिस डाल देना है। अब आपको नीचे की साइड स्क्रॉल करना है। अगर आपका ये ऊपर का एड्रेस और ये जहाँ आप रहते हैं वो एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर देखिए इस टिक वाले निशान पर क्लिक करना है और ऊपर का एड्रेस यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो चलिए ये सारी डिटेल हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं।
देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर सारी जानकारी फिल कर ली है। इसी तरीके से आपको सारी जानकारी इसमें फिल करने के बाद आपको यहाँ से देखिए सेव के बटन पर एक बार क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर देखिए आपका डाटा सेव हो जाएगा। आपको ओके कर देना है। अब आपको नीचे की साइड स्क्रॉल करना है। यहाँ से देखिए दोस्तों, जीरो माने नहीं हो रहा। हम इसमें कोई सा एक मार्क्स डाल देते हैं। इसमें इस तरीके से डाल देने के बाद आपको यहाँ से देखिए फिर से सेव के बटन पर क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, जैसे आप सेव पर क्लिक करोगे यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ ज़्यादा ही मांग रहा है। तो चलिए हम यहाँ से कुछ जैसे मकान नंबर ज़्यादा कुछ डाल देते हैं। आपका जो भी मकान नंबर है वो मकान नंबर आपको इसमें डालने के बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पर इस तरीके से सेव हो चुका है। अब आपको ओके कर देना है। अब आपको यहाँ से देखिए नीचे की साइड स्क्रॉल करना है। नीचे की साइड स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको पूछ रहा है कि आपके पास NCC सर्टिफिकेट है ऐसे या नो कर सकते हैं क्या आप यहाँ से देखिए स्कूल में पढ़े हैं या नहीं है ऐसे या नो कर सकते हैं। क्या आपके पास सशस्त्र बलों का सेवा कर रहे हैं ऐसे या नो कर सकते हैं। क्या आप खेल में स्थापित हैं ऐसे या नो आप यहाँ पर कर सकते हैं। क्या आप तैरना जानते हैं, आप तैरना जानते हैं तो आप ऐसे या नो कर सकते हैं। क्या आप एक सेवारत हैं, सैनिक हैं या किसी के पुत्र हैं तो आप ऐसे या नो कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से नो कर देते हैं। क्या ये तटरक्षक कर्मियों के पुत्र हैं जिनकी मृत्यु सेवा के कारण हुई है ऐसे या नो कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारे हिसाब से आप यहाँ पर सारे में नो कर देना है। आप अपने हिसाब से पढ़ते जाएंगे और आप यहाँ पर नो करते जाएंगे। अब आपको नीचे की साइड फिर से देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर यस या नो करते जाएंगे, आप अपने हिसाब से पढ़ते जाएंगे और आपको यस या नो कर देना है। इस तरीके से सारी की जानकारी आपको यहाँ पर पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर यस नो कर देना है। अब आपको यहाँ से देखिए प्रस्तुत करें यानी कि सबमिट करें, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं एडिशनल डिटेल्स यहाँ पर सेव हो चुकी है। अब आपको ओके कर देना है। अब आपको यहाँ से देखिए नीचे की साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ से दोस्तों आपको फ़ोटो सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। दोस्तों आपका फ़ोटो इस टाइप का होना चाहिए जैसे यहाँ पर देखिए सैंपल की तौर पर दिख रहा है। इस तरीके का आपका फ़ोटो होना चाहिए और सिग्नेचर आपके इस टाइप से सीधे होने चाहिए और ये आपका थंब इम्प्रेशन ये होना चाहिए। अब आपको यहाँ से देखिए ऊपर की साइड आपको दिख रहा होगा, इसका नाम आपको यहाँ पर देखिए पासपोर्ट फोटोग्राफ ये आपको रखना है तभी इसमें अपलोड होगा। सिग्नेचर का आपको सिग्नेचर नाम फिर प्रोफाइल नेम देना है तभी आपका सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड होगा। थंब इम्प्रेशन का थंब इम्प्रेशन इस तरीके से आपको अपना फाइल नेम देना है तभी आप यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर फोटो सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन को अपलोड कर देते हैं। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं जब तक आप इसका नाम फाइल नेम नहीं देंगे तब तक आप इसमें अपलोड नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से आपको फाइल नेम देना है। अब आपको यहाँ से देखिए सेव के बटन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपका डाटा सेव हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं आपको ओके के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, आप वीडियो ध्यान से तभी आप इसमें फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, आपको अपनी प्रेफरेंस देनी है। अगर आपके यहाँ पर देखिए सिटी ये पास 30 किलोमीटर की दूरी पे हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। अब यहाँ से प्रेफरेंस देनी है। सबसे पहले दोस्तों आप दे सकते हैं उत्तर प्रदेश में कौन सी सिटी, वो आपको यहाँ पर सिटी देनी है। अब आपको यहाँ से देखिए प्रेफरेंस टू में आप यहाँ पर देखिए 5 प्रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में आप सिटी कोई दूसरी चूज कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए सिटी 3 में आप उत्तर प्रदेश से कोई सिटी तीसरी चूज कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए प्रेफरेंस 4 में दिल्ली में अगर आप कहीं पर भी प्रेफरेंस देना चाहें वो दे सकते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर 5 प्रेफरेंस देनी होगी। इस तरीके से जैसे हम यहाँ पर प्रेफरेंस दे रहे हैं इसी तरीके से आपको प्रेफरेंस को यहाँ पर देना है। अब दोस्तों जैसे आप सेव पर क्लिक कर दोगे अब यहाँ पर देखिए सिलेक्शन एग्जाम सिटी प्रेफरेंस आपको यहाँ से देखिए आपको यहाँ से नॉर्थन जोन में आप जो भी देना चाहें वो आप सिटी यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे दोस्तों हम यहाँ से देखिए इस तरीके से प्रेफरेंस यहाँ पर आपको प्रेफरेंस फिर से देनी है। जैसे हम यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर पहली नोएडा दे दी है। आपको जो भी देना है आपको अपने हिसाब से ही इसमें फिल करना होगा। अब दोस्तों आपको ये प्रेफरेंस देने के बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ अलर्ट आ रहा है। तो चलिए हम यहाँ से फिर से एक सही करके आपको दिखा देते हैं। अब आपको यहाँ से देखिए मैंने यहाँ पर ये चूज नहीं किया था। अब आपको सेव पर क्लिक करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रेफरेंस भी देनी होगी। इस तरीके से आपको सारे में प्रेफरेंस चूज करना है और आपको अपने हिसाब से यहाँ पर सही से फिल करना होगा। देखिए दोस्तों जैसे आप सेव पर क्लिक करोगे यहाँ पर देखिए आपका प्रेफरेंस भी सेव हो जाएगा। अब आपको ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं
इसका अब आपको प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप इसका प्रिंट भी चेक कर सकते हैं। आपको नीचे की साइड स्क्रॉल करते जाना है, आपको पूरा फॉर्म का प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। आप इसको सही से चेक करेंगे। इस तरीके से सही से चेक करने के बाद आपको नीचे की साइड स्क्रॉल करते जाना है। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए इन सभी पर आपको टिक लगाना होगा। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी सिटी का नाम देना होगा। तो चलिए हम यहाँ से अपनी सिटी का नाम डाल देते हैं। अब आपको यहाँ से इन सब पर टिक लगा देना है। इस तरीके से आपने इन सबको रीड कर लिया है। टिक लगा देने के बाद आपको यहाँ से देखिए इस तरीके से सारे पर टिक लगा देने के बाद आपको नीचे की साइड स्क्रॉल करते जाना है इस तरीके से। चलिए हम इस पर सभी पर यहाँ पर टिक लगा देते हैं। दोस्तों उससे पहले आप अपने फॉर्म को बिल्कुल सही से चेक कर लीजिए। अगर आपका फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो आप अभी एडिट कर पाएंगे। अब यहाँ से देखिए आपको प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा। आपको इस पर क्लिक करके आप अपने प्रिंट का प्रीव्यू देख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए दोस्तों आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से यस या नो करेंगे। देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको नीचे की साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ पर ये सही से पढ़ना है कि आपने ये सारे दस्तावेज को सही से चेक कर लिया है। आप यहाँ पर देखिए यस या नो का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से सही तरीके से सबसे पहले आपको प्रिंट प्रीव्यू को अपने देखना होगा। इस तरीके से देखने के बाद आप यहाँ पर तभी यस या नो कर पाएंगे। तो चलिए हम अपना प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पर सही से चेक कर लेते हैं। दोस्तों प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लेने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे आपके सामने फिर से ये डिक्लेयर होगा। आपको इन सब पर टिक लगाना है। अगर आपने फॉर्म को अपने सही तरीके से टिक चेक कर लिया है तो आपको इन सभी पर टिक लगा देने के बाद आपको कन्फर्म डिटेल्स पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म डिटेल्स पर क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ से देखिए एक बार फिर से आपको चेक करने का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप चेक करना चाहें कर सकते हैं, वरना आप फाइनल सबमिट कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ से फाइनल सबमिट कर देते हैं। दोस्तों जैसे आप फाइनल सबमिट कर दोगे आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब आपको यहाँ से देखिए व्यू प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको फीस को पे करना होगा। अगर आप इस जनरल कैटेगरी से नहीं आते हैं तो आपको फीस पे कोई भी नहीं करनी पड़ेगी। हमने यहाँ पर एससी कैटेगरी का फॉर्म फिल किया है तो हम यहाँ से व्यू प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करके हम अपने प्रिंट का एप्लीकेशन देख सकते हैं। देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरीके से आप अपनी इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्म अपने मोबाइल फ़ोन से ही फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे ऐसे कमाल की इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।